नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका न्यू पॉजिटिव में। दोस्तों, धोखेबाज चीन अपने बहुत सारे फ्यूचर वेपन दिखा रहा है और विशेषज्ञों का मानना है कि चीन एक संदेश भेज रहा है। कुछ महीने पहले चीनी मीडिया ने सैन्य विकास पर एक रिपोर्ट चलाई जिसमें अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के समय अपने प्रतिद्वंदियों को एक सीधे संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये संदेश इंडिया के लिए भी हो। दोस्तों, जनवरी के मध्य में एक नई अमेरिका रक्षा खुफिया आकलन में कहा गया है कि चीन दुनिया में सबसे आधुनिक हथियारों को मैदान में उतारने की कगार पर है, जिसमें दोस्तों नंबर वन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन, इसको EMRG कहा जाता है। चीनी मीडिया के अनुसार चीनी युद्ध पोत जल्द ही चीनी की नौसैनिक रेल गनों से लैस होंगे, जो बड़ी दूरी पर लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम होंगे। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रेल गन अन्य वेपन की तुलना में बेकार है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों चाइनीज वर्जन द मदर ऑफ ऑल बम्स। सरकारी समाचार एजेंसी शिंगवाई के हवाले से ग्लोबल टाइम ने कहा है कि हथियार जो चीन के सबसे बड़ा गैर परमाणु बम है, चीन दिखा रहा है अमेरिका को द मदर ऑफ ऑल बम, अपना होममेड वर्जन। अब चीनी हथियार अपने अमेरिकी बॉम्ब्स की तुलना में छोटा है और हल्का है। एक 21,600 पाउंड का बम जिसे अमेरिका ने 2017 में अफगान में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर गिराया था। तीसरे नंबर पर आता है चाइना का कैरियर किलर मिसाइल DF-26 को आमतौर पर कैरियर किलर कहा जाता है। चीन ने हाल ही में पहली बार हथियारों से जुड़े एक अभ्यास का वीडियो फुटेज जारी किया है, जो कथित तौर पर गैर परमाणु और परमाणु हथियार दोनों को ले जाने में सक्षम है। अब दोस्तों, वैसे ये संदेश सीधे अमेरिका के लिए, पर इंडिया को भी अपने आंखें खुली रखनी होगी। और चौथे नंबर पर आता है चाइना का सुपर सोल्जर जो बंदूकों से लैस है, जो कोनों के चारों ओर गोली मारता है। बोले तो बीजिंग के एक सैन्य विशेषज्ञ का हवाला देते हुए ग्लोबल टाइम ने कहा है कि चीन सुपर सैनिकों का विकास कर रहा है, जो एक समय में 10 लड़ाकों का सामना कर सकते हैं और ये लैस होंगे ग्रेनेड लॉन्चिंग, असॉल्ट राइफल, कॉर्नर शूट्स, पिस्टल्स और कनीव गन से। अब पांचवें नंबर पर चाइना का स्टेल्थ ड्रोन। ये मानव रहित विमानों को चीन के भविष्य के विमान वाहक पोत से लॉन्च किया जा सकता है। चीनी मीडिया के अनुसार एक और चीनी स्टेल्थ ड्रोन पर काम कर रहा है जिसमें CH-7 शामिल है। जैसा कि आपको बता रहे थे दोस्तों, ये लास्ट हथियार और सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा खतरा पूरे विश्व को भी इससे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, चीन एक ऐसा घातक हथियार बनाने जा रहा है जिसके जरिए वो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को निशाना बनाकर नष्ट कर सकता है, ख़त्म कर देगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह का हथियार पहले नहीं बना, लेकिन इसके लिए अब तक लॉन्ग रेंज मिसाइलों का सहारा लिया जाता है। लेकिन अब चाइना के शोधकर्ताओं ने इसके लिए एक ऐसी माइक्रोवेव मशीन बनाई है जिसको रेडियो एक्टिव एम्पलीफायर का नाम दिया गया है। इसको तैयार किया गया है जो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को नाकाम करेगी और उसको ख़त्म करेगी, नष्ट कर देगी। तो दोस्तों, चाइना से कितना खतरा इंडिया को हो सकता है ये आप कमेंट करिएगा। और ये जो संदेश अमेरिका के लिए भी है। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।